जज़्बे कदर की मुबारकबाद पेश करते हैं हम आप सबको। आज का दिन, आज की रात बहुत मुबारक समय माना जाता है और ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है कि हज़ार महीनों की इबादत के बराबर नहीं, हज़ार महीनों की इबादत से ज़्यादा इबादत आज की रात दुआ करने, कुरान पढ़ने से जो रिज़ल्ट मिलता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और आज के ऐसे मुबारक समय में जब आज सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर, हमारे एडिशनल सीपीस, डीसीपी साउथ और उनकी पूरी टीम, जब हम लोग मदीने से गुलजार हाउस के होते हुए पत्थरघट्टी के तरफ से चार मीनार और आगे लाठ बाज़ार के तरफ गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे अच्छे समय में हमारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो ठेले वाले हैं, बंडी वाले हैं, चूड़ी वाले हैं, सबका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ओल्ड सिटी के बाहर से भी लोग आ रहे हैं परचेजिंग के लिए और मुझे तो लगा कि करीब 30 से 40 फीसदी हिंदू लोग भी यहाँ आकर शॉपिंग कर रहे हैं सस्ते चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, और एक मुबारक महीने में ख़रीदने का जो एक खुशी होता है। तो ऐसे समय में सिटी पुलिस जब आवाम के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ इस इतने अच्छे पाक दिन में जब हम लोग साथ रहते हैं तो एक अंदर से बहुत खुशी होती है। और इस समय में आपके साथ शरीक होने में हमारे सभी ऑफिसर्स, कांस्टेबल ऑफिसर से लेके सभी सीनियर ऑफिसर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि ऐसे समय में हम आपके साथ हैं। हमारे लिए ख़ास करके इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो कभी कभी ऐसे समय में हम लोग लाल किला के ऑपोजिट जो चांदनी चौक है वहाँ हम लोग रात को जाया करते थे और घूमते वहाँ से पैदल होते यूनिवर्सिटी सुबह 4 बजे 5 बजे तक लौटते थे। और वहाँ भी जो इबादत का माहौल रहता था, ख़ास करके जामा मस्जिद के पास, वो एक उसकी एक झलक मुझे आज यहाँ देखने को मिली। तो तारीख एक तरह से 30 साल पहले मुझे ले गया वहाँ। और ऐसे समय में आप लोगों के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ रहकर यह फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, यह इबादत को साथ करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। ऐसे मौके पे सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर के तरफ से हम भी अल्लाह सुबहाना व तआला के सामने दुआ करते हैं कि हमारे शहर को खुशहाल रखें, यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाएं, यहाँ के हर नौजवानों को नौकरी मिले, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, तालीम मिले, जिससे आगे जाकर वो बेहतर इंसान, बेहतर सिटीज़न बने। शुक्रिया।